के फॉरेस्ट चौक बहादुरगंज के प्रांगण में उपस्थित हूँ। यहाँ पर गांव-गांव शाहीन बाग को लेकर एनपीआर और एनआरसी के विरोध में जो धरना प्रदर्शन जारी है, मैं कुछ हमारे साथ जो है जुड़े हैं आज के इस प्रोग्राम में जानना चाहूँगा कि आखिर ये जियो क्यों कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप ये बताइए कि आपने जो ये बैनर जो लटकाया है नो एनपीआर नो सीएए नो एनआरसी, तो आप एनपीआर के बारे में जो है क्या आपको जो नाराजगी है और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? जैसे कि आपको पता है कि एनपीआर 2011 में जो एनपीआर हुआ था उसके लिए केवल 9 डॉक्यूमेंट लगे थे। अभी जो उसके लिए किया गया है 30 डॉक्यूमेंट को भरना है एनपीआर के लिए, यहाँ जो अच्छे अच्छे आदमी के पास अपने आईडी प्रूफ नहीं है, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो कहता है कि अपना दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, अपना पिताजी का जैसे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, गाँव का सर्वे का ध्यान चाहिए। जिसके पास जो गरीब है मेरे इलाके के अंदर उसके पास अगर जमीन नहीं है वो खतियान कहाँ से दिखाएंगे? और नरेंद्र मोदी साहब जब उसका अमित शाह देश का जो गृह मंत्री है वो बोलता है कि आपका वोटर आईडी आधार कार्ड ये कोई नागरिकता के लिए प्रूफ नहीं है, तो आप एक बात ये बताइए सरकार को क्या जरूरत पड़ा कि एनआरसी और सीएए और एनपीआर तो ठीक है जनगणना को इतना डाटा उसको बढ़ा दिया, इतना कॉलम बढ़ा दिया है, 21 कॉलम बढ़ा दिया है, 21 कॉलम के लिए सरकार ये मंशा सरकार का है क्या? सबसे पहली बात की ये कानून तो सरकार को लाने का कोई मतलब नहीं था, ये कानून लाने से कितना रुपए खर्च किया सरकार, चाहता तो यहाँ का नौजवानों को नौकरी देता, यहाँ का ये देश के लिए कुछ विकास का काम आता, वो केवल क्या किया लोगों को बांटने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, सरकार का मंशा आखिर है क्या एनपीआर और एनआरसी लाने से? सरकार तो ये कह रही है कि हमने जो है 2011 में जो है एनपीआर का सर्वे करवाया, ये जो है यहाँ के नागरिक भारत के नागरिक के लिए सबसे बेहतर रहा, पर अभी जो लोग ज्यादातर इनकार कर रहे हैं ये क्यों? तो पहली बात कि अभी जिस तरीके से कॉलम को बढ़ा दिया गया है, मेरे यहाँ इलाका में जैसे हम हिमाचल के अंदर है भाजपा एरिया में है, यहाँ ज्यादातर गरीबी है, सरकार का डाटा के अंदर है कि मुसलमान यहाँ का दलित से बदतर है, डाटा उसका पता है, सत्यन कमेटी का रिपोर्ट है, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसके बाद की सरकार जो ये कानून लेके आया, जिस आदमी के पास उस कागज नहीं है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो सरकार को कौन कागज देंगे? तो क्या जिससे वो नागरिकता साबित करेंगे? जैसे मेरे पास कागज नहीं है तो हम उसको क्या दिखाएंगे? तो हम लोग भी ठान लिए हैं कि सरकार को हम लोग कोई कागज नहीं दिखाने वाले हैं। चलिए, आप लोग जब सरकार को कागज नहीं दिखाने के तैयारी में है, तो इस हालत में तो पता लग रहा है कि सरकार को यहाँ सर्वे करवाने में भी काफी दिक्कत आ सकती है और समस्याओं का समाधान अगर वो नहीं बताती है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे कि आपने जो बोला कि इसमें माता का जो है जन्मतिथि, पिता का जन्मतिथि या दादा के बारे में ये सब कागज छाने की जमीन के कागज मांगेंगे और आधार कार्ड या पहचान पत्र का मान्यता नहीं होगा। मैं जो है आप ये बताइए कि सीएए क्या क्या चार्ज है? देखिए ये सीएए कानून जो है ये भिन्न अम्बेडकर के कानून को स्वीकार करके ये पूरे हिंदुस्तान के आह्वान को दिया है। ये कानून काला कानून के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक आपने सवाल किया जनगणना का, जनगणना जैसे होता था उस तरह से जनगणना हो उसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत इस बात का है कि वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं मेरे बाप के जन्म प्रमाण पत्र, मेरे दादा के जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के का जो खुशियान है वो मांग रहे हैं। ये एरिया जो है सीमांचल का एरिया बाहर से ग्रसित है, यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, यहाँ तरह तरह की परेशानी है और ये गरीब से भी बदतर यहाँ के अवाम का हालात है और उनके पास आप वो प्रूफ मांग रहे हैं, अगर प्रूफ नहीं देंगे तो आप कहते कि बांग्लादेशी रुपये की है आप तो यहाँ के नागरिकता नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ सबसे पहले गृह मंत्री जी आप
जिस पद पे बैठे हैं संवैधानिक पद पे, आप अपना प्रमाण पत्र जो अपना अपना दादा का अपने बाप का दे दीजिए, फिर हम लोग देने के लिए तैयार। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी से मांगने का भी आपको अधिकार देंगे। आप जनगणना कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना तो होनी चाहिए, हर 10 साल में 20 साल से जनगणना होती है, जनगणना होगा। लेकिन हम लोग अन्य कॉलम को भरने के लिए सक्षम नहीं है, और हम ही नहीं पूरे हिंदुस्तान क्या हुआ इस कॉलम को भरने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ तक हमारा बिहार का सवाल है, ये बिहार हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, और पिछड़ा राज्य के अंदर सबसे गरीबी जिला अगर कोई है वो है किशनगंज। और किशनगंज भोले वाले जनता को यहाँ पर लोगों ने भुगा दिया, यहाँ के लोगों को गिरफ्तार भेजा है, यहाँ उनके नेता लोग भाषण दे रहे हैं गोली मारो गद्दारों को। मुझे ये आप साबित करके बताओ भाई, गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार आप किसको कहना चाह रहे हैं? आप हाथ पकड़ के बता दो, आपके नेता भाषण दे रहे हैं गोली मारे साले को, सालों को गोली मारो, ये क्या आपका ये है? आपको अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो ये आपको सेवा नहीं दे रहा है। आप अपनी घर के साथ काम कीजिए, अपना बात कीजिए। अब मैं चाहता हूँ जो है इसके पास, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि एनआरसी से क्या, एनआरसी से आपको क्या ऐतराज है? एनआरसी से क्या ऐतराज है? सरकार ये कह रही है कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कह रहा है कि एनआरसी लागू नहीं होने वाली, और शाह ये कह रहे हैं कि एनआरसी लागू होके रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ हम भूख से मर रहे हैं, हमारे हम अपने बच्चों को शिक्षा बेहतर से बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ मैं क्या कहते हैं बेरोजगारी का मसला है, हमारी सरकार अभी हम लोगों को उलझा के रखा है, हम लोगों को उलझा के रखा है, जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रही है। दूसरे तरफ नेता को जो है ये करके लोगों के दिमाग को उलझा रही है, हमारे शिक्षक से मेरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ युवा वर्ग के साथ, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ कि इनके मन में जो क्या चल रहा है अपने गांव समाज और देश के बाद बताइए। आप जो है इसमें एनपीआर सीएए और एनआरसी के बैनर तले आप लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 फरवरी से धरना स्टार्ट है, सरकार भी जीतने जा रहा है, और आपका सरकार जो है इसका सुनवाई नहीं किया है, तो आगे आगे के लिए आपके जो बैनर में बताया जा रहा है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, आपका क्या नाम? सबसे पहली बात ये हमारा धर्म नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आगे पूरे हिंदुस्तान का हर घर गली गली पूछा पूछा सारी बात है। हुआ क्या था कि देश हिंदू का देश सबसे पहले जब आजाद हुआ देश के सरकार की, तो दो ऑप्शन काम होता है, या तो हम पाकिस्तान जाते या तो हम इंडिया में रहते। पाकिस्तान की बुनियाद इस बात से डाली गई कि वहाँ मुसलमान रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर नहीं है, यहाँ पे हिंदुस्तान का कोई मजहब भी नहीं है, हिंदुस्तान में तमाम मजहब के मानने वालों को रहने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन जब से मोदी और अमित शाह आए सरकार में, अमित शाह और मोदी की रहबरी में ये जो कानून पास कर रहे हैं, उन तमाम कानूनों में ये होता है कि कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे हैं, उसी मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा। हमने सब कुछ देखा, चलो मुस्लिम को जितना भी टारगेट किया हमने बर्दाश्त किया। आज बहुत व्यक्त अमित शाह कुछ कह रहे हैं कि जो बैठी है उसको निकाला जाए, लेकिन यहाँ तक हम सही है, चलो ठीक है आपने भ्रष्टाचार को निकालने का फैसला किया, मैं उसको सुनने को, उसके बाद से वो कह रहे हैं कि एनआरसी के साथ कोई मुद्दे को वहाँ पर रखा जाएगा जो लोग गैर मुस्लिम होंगे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धर्म की बुनियाद पर सताए गए हैं। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि आप इस देश को, जिस देश को गांधी ने सीखा, जिस देश को मौलाना आजाद ने सीखा, और उसने कहा था कि जो धर्म की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी तरह का कोई फर्क नहीं होगा, तो आप आज कम्युनल दिन क्यों ला रहे हैं? ये कम्युनल जब ये पास हुआ उसके बाद जब एनआरसी आएगी, एनआरसी में सबसे बड़ी मुश्किल पहली बात यह है कि उनमें हमारे पास जो डेटा मांगे जाएंगे, जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो सर्टिफिकेट है कि भाई वो दिखाओ तो अपने बाप का पैदाइशी सर्टिफिकेट, अपने दादा का पैदाइशी सर्टिफिकेट, जिसमें आधार का कोई मान्यता नहीं है, जिसमें और वोटर आई कार्ड का कोई मान्यता नहीं है, बताइए वो लोग जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लाएंगे?
ये मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये गरीबों के खिलाफ है। गरीब लोग इस सर्टिफिकेट को नहीं चुका सकते किसी भी हाल में। दूसरी बात, ये सरकार हमेशा से गरीबों को परेशान करने की कोशिश की है, चाहे गरीब हो चाहे खेतों में काम करने वाले। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज बेरोजगारी आम हो रही है, दुनिया भर के प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने नजर नहीं आ रहा। सिर्फ वो मुसलमान हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़। नमस्कार।